आगामी लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए जिले का चुनावी माहौल अब गर्मा गया है, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर लोकसभा चुनाव लड़ने की खुलकर इच्छा भी जता रहे हैं। इसी के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सेठिया ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी है, जहाँ उन्होंने पार्टी उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात कर लोकसभा टिकट की मांग की है, जिसकी संपूर्ण जानकारी उन्होंने रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्हें पार्टी से टिकट मिलेगा तो वह बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत नहीं भी किए जाने की भी बात कही। इसके अलावा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने जल्द ही विभिन्न कांग्रेसी नेताओं के पदाधिकारी और कांग्रेस समर्थित लोगों के भाजपा ज्वाइन करने का भी जिक्र करते हुए जल्द ही एक बड़ा समारोह का आयोजन कर कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करते हुए लगभग 45-46 वर्ष हो गए और इसके पूर्व दो पीढ़ी से हम काम कर रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में। युवा मोर्चे में मैं तो वार्ड का सदस्य बना, वार्ड का अध्यक्ष बना, जिले का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चे का, फिर भारतीय जनता पार्टी का नगर का कार्यकारिणी में रहा, फिर नगर का अध्यक्ष बना, फिर भारतीय जनता पार्टी की जिले की बॉडी में मैं कार्यकारिणी में रहा, उसके बाद जिले का उपाध्यक्ष बना, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना। जिस समय आदरणीय अजय विश्नोई जी प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे तो मैं उनकी प्रदेश की कार्यकारिणी में था युवा मोर्चे की। लंबा समय तक संघर्ष के कालों में रहे हम, खाली ऊपर से आए हुए पैराशूट से उतरे नहीं हैं पर कहीं से, और कहीं ना कहीं लंबे संघर्ष के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी अपनी दावेदारी करना। मैंने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने, प्रदेश स्तर के नेताओं के सामने और संघ के जो भी प्रमुख लोग हैं उनके सामने अपनी दावेदारी रखा है कि निश्चित रूप से यहाँ पे सामान्य वर्ग को कभी मौका नहीं मिला है, इस वर्ग को भी मौका यहाँ पे मिलना चाहिए। और राजनीतिक रूप से मैं सभी जितने भी जिले के प्रमुख नेता हैं उनको भी, मुझे मेरी जानकारी में जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी काम को लेकर, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, बालाघाट का हो, जबलपुर में हो, संभागीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सभी में हमने पूरा सहयोग देकर उसे पूरा समय भी दिया है। और लंबे समय तक अनेक विधानसभा का संचालन करने का भी मौका मुझे मिला है और उस दृष्टि से मैंने अपनी दावेदारी रखी है और मेरी दावेदारी पे पार्टी ठीक निर्णय लेगी ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, निर्णय मेरे अनुकूल हो मेरे प्रतिकूल हो। इसके पहले भी हमने विधानसभा की टिकट मांगी, नहीं थी उन्होंने, पर हम अपनी बात को समय समय पर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को हम बताते रहते हैं। यहाँ भी हमारे जो बड़े नेता है बालाघाट में उनको भी बताया, उसके बाद भी जैसा आपने पूछा है मैं क्यों समझूं कि मुझे नहीं मिलेगी करके, फिर भी आप यदि बोलते तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, उसकी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करता। राष्ट्रीय स्तर में किन नेताओं से आपसे चर्चा हुई है, कौन से बड़े? देखो जितने भी लोग हैं, मेरा लंबा कार्यकाल रहा है तो मेरा व्यक्तिगत संपर्क है उनसे, चाहे प्रदेश के नेता हो, शिवराज जी थे, बीडी शर्मा थे, इसके पहले की भी पीढ़ी से मेरा संपर्क था, उन पीढ़ी से भी मेरी बात हुई है। राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे यहाँ महेंद्र सिंह जी है प्रदेश के प्रभारी, सतीश उपाध्याय दिल्ली से आए हुए हैं, ऐसे सभी लोगों से जहाँ जहाँ बात हमको करना है पूरी बात करते हैं। आईटी में कोई आवेदन नहीं मांगा जाता, कोई सोचे कि आवेदन मांग रहे हैं, आवेदन से उसमें होगा, हमारी वो खुद ही मांगते हैं कि भैया आप अपना बायोडाटा भेज दीजिए, तो अपनी बायोडाटा अपने हिसाब से भेज देते, कहीं भी उसका हम प्रसारण नहीं करते। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में काम कर रही है, नए लोगों को मौका इस जिले में मिलेगा ऐसा मैं समझता हूँ। रक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था उनके पास और उनका विद्या अध्ययन का क्षेत्र बालाघाट, एजुकेशन उनका बालाघाट में हुआ है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, और 6 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उस समय वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ऐसे सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनकी उसमें इनकी ज्वाइनिंग हुई है। वैसी ज्वाइनिंग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। पूरे इस समय अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दलों में भगदड़ मची हुई है, उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिक भविष्य इसमें, और जिन उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दल बने थे वो उद्देश्य पूरे करते हुए नहीं दिख रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी या धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में जो निर्णय ले रही है उस निर्णय से वो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस में भी भगदड़ का माहौल है, बालाघाट जिला कांग्रेस या बड़े चेहरे कोई शामिल हो सकते हैं, संभावनाएं हैं? इसके पूर्व आपने देखा होगा एक ज्वाइनिंग हो गई अपनी, उस ज्वाइनिंग में काफ़ी लोग शामिल हुए, आने वाले समय में हमसे वे संपर्क में और हम भी उनके संपर्क में, वे जिला पंचायत के सदस्य हो, जनपद के सदस्य हो, कहीं ना कहीं सरपंच है और अन्य पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी में निकट भविष्य में 2-4-5 दिन के अंदर इसका निर्णय होगा और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कहीं भी किसी किस्म का लालच या उनकी शर्तों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी को शामिल नहीं करेगी।